हेलो एवरीवन, तो हम बात करते हैं ग्रे कोड की। तो ये ग्रे कोड कहाँ कहाँ पूछा जाता है, किस किस एग्ज़ाम में? जैसे बात करते हैं इंट्रेंस एग्ज़ाम, किसी भी मतलब यूनिवर्सिटी का इंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ उसमें पूछा जाता है, या फिर कोई टेक्निकल एग्ज़ाम हुआ उसमें पूछा जाता है, या फिर कोई भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम होता है उसमें पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए, इससे बात करते हैं ग्रे कोड की। तो ग्रे कोड ये जो आता है एग्ज़ाम में, वो बाइनरी से ग्रे कोड में कन्वर्ट करने के लिए आता है। कभी कभी ग्रे कोड से बाइनरी में भी कन्वर्ट करने के लिए क्वेश्चन आ जाते हैं। और ये दो मतलब बाइनरी से ग्रे कोड या फिर ग्रे से बाइनरी कोड में कन्वर्ट करने के लिए आता है। इसका जो ऑपरेशन है इसको मतलब अंडरस्टैंड करा के उसके बाद उसको बताते हैं। ठीक है, देखिए, ये एक वैज्ञानिक थे फ्रैंक ग्रे, इन्हीं के नाम पे ग्रे कोड पड़ा था। ठीक है, इसको कई सारे नाम से जानते हैं, जैसे रिफ्लेक्टेड बाइनरी या फिर रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड, इसको बोलते हैं RBC। यहाँ पर जो RBC टर्म है ये आपका बायोलॉजी वाला टर्म नहीं है, ये यहाँ पर रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड। फिर अभी देखिए क्यों कैसे होता है ये, कैसे कैसे नाम पर सब बताएंगे। इसको बोलते हैं यूनिट डिस्टेंस कोड, मिनिमम एरर कोड, या फिर साइक्लिक कोड, अनवेटेड कोड इसको बोलते हैं। इससे देखिए, ये डेसिमल नंबर है, ये बाइनरी कोड है। ठीक है, ये डेसिमल नंबर का ये बाइनरी कन्वर्ट करके ये लिखा गया है। उसके बाद इसको बाइनरी से फिर ग्रे कोड में कन्वर्ट किया गया है। इसका ऑपरेशन अभी हम बताएंगे। देखिए, जैसे इस बाइनरी जो बाइनरी कोड है इसका जो कन्वर्ट कोड में कन्वर्ट किया गया है आपका ये आया, फिर ये सब बाइनरी से ग्रे कोड में कन्वर्ट किया गया। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका यहाँ से और ये, इसमें देखिए एक ही, केवल एक ही यूनिट का डिस्टेंस मतलब इसमें डिफरेंस है। ये देखिए, इन सब से सेम है, सिर्फ वन का डिफरेंस है। इन दोनों में देखिए, इन दोनों में देखिए, इसमें देखिए सिर्फ वन का डिफरेंस है, इसमें देखिए, इन प्रत्येक मीन्स सक्सेसिव डिफरेंस में देखिए केवल एक यूनिट का मतलब डिफरेंस है। जिसे यहाँ पर लिखा गया है टू सक्सेसिव वैल्यू डिफर इन ओनली वन बिट, मीन्स कोई भी सक्सेसिव वैल्यू है उसमें जो डिफरेंस है केवल एक बिट की ही डिफरेंस है। जिसे यहाँ पर देखिए, ये भी सेम है, ये भी सेम है, सिर्फ वन का यहाँ पर देखिए, ये वन है, ये जीरो है, यहाँ पर ये भी सेम है। उसी तरह से कोई भी सक्सेसिव ले लीजिए, वैल्यू लीजिए, तो उसमें जो है जो डिफरेंस केवल एक बिट की ही डिफरेंस आएगी। देखिए, सब सेम है, ये सब सेम है, सिर्फ ये यहाँ पर वन है, यहाँ पर जीरो है, ये वन वन है। ठीक है, सिर्फ कोई भी सक्सेसिव वैल्यू ले लीजिए, ग्रे कोड की कोई भी सक्सेसिव वैल्यू ले लीजिए, उसमें जो डिफरेंस आता है केवल एक बिट की ही डिफरेंस आएगी। ठीक है, अब बात करते हैं बाइनरी नंबर इज कन्वर्टेड टू ग्रे कोड, मीन्स बाइनरी नंबर से जब ग्रे कोड में कन्वर्ट करेंगे तो जो रिड्यूस मतलब जो स्विचिंग ऑपरेशन है वो रिड्यूस हो जाती है। मीन्स जो बाइनरी ऑपरेशन में जो स्विचिंग ऑपरेशन होता है, जो बाइनरी कोड की जो स्विचिंग ऑपरेशन होता है उसकी जो स्विचिंग ऑपरेशन हो तो वो ग्रे कोड में जाके रिड्यूस हो जाती है। अब देखिए, रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड कैसे नाम पड़ा इसका, देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये इसमें, इसके बाद देखिए जो भी एक स्टेप, वन यूनिट स्टेप, देखिए इसका, देखिए वन यूनिट डिस्टेंस। ठीक है, ये हो गया वन यूनिट डिस्टेंस, मीन्स यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये वाला संख्या मिलाइए, ये वाला नंबर मिलाइए, ये दोनों नंबर मिलाते हैं तो इसमें दोनों का, ये देखिए इसमें इसका 0001 और ये आपका 1000, ये आपका इसका एक ही यूनिट का मतलब रिवर्स है, रिवर्स करेंगे तो यही सब सेम आएगा। ठीक है, इसी तरह से इसका यूनिट डिस्टेंस कोड पड़ा। ठीक है, मिनिमम, इससे जो ग्रे कोड होता है उसका जो इरर आता है वो मिनिमम सबसे कम आता है, मीन्स दैट मीन्स बाइनरी कोड से कम इरर आती है इसमें। ठीक है, अनवेटेड कोड मीन्स इसका जो वेट होता है वो कंपेरिजन टू द बाइनरी, वो वेट मतलब इससे वेट नहीं होता है, कोई भी वेट नहीं। ठीक है, साइक्लिक कोड यहाँ पर एक रिवर्स साइक्लिक बन जाती है। ठीक है, अब देखिए इसका ऑपरेशन देखिए कैसे होता है। ठीक है, जब भी हमें ग्रे कोड निकालना होता है, बाइनरी से ग्रे कोड निकालना होता है, तो क्या करते हैं, जैसे देखिए कोई भी एक नंबर ले लीजिए, मान लीजिए ये वाई नंबर लेते हैं 07 का, जी 7 डेसिमल नंबर का जो बाइनरी कन्वर्ट किया गया है वो क्या है, 0111। ठीक है, इसको कैसे ग्रे कोड में, ये बाइनरी कोड है, इसको कैसे ग्रे कोड में कन्वर्ट करते हैं वो देखिए। देखिए आप जानते हैं XOR, XOR गेट जानते हैं, ये XOR ऑपरेशन कैसे होता है, इस ये जो गेट होता है वो आपका इस तरह से होता है। ठीक है, टू इनपुट का XOR गेट लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, XOR गेट। ठीक है, इसमें जो ऑपरेशन है, मान लीजिए ए और बी ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो वैल्यू आती है, मान लीजिए 0001 1011, तो इसमें जो वैल्यू आती है XOR करने के बाद, तो जो वैल्यू आती है 0001 1111
110। दैट मीन्स जब भी वन की संख्या जो वन है वो ऑड में जब होंगे तो क्या आएगा आपका वन आएगा, जब इवन नंबर में वन होंगे तो वो वैल्यू जीरो आएगी। एक्सोर ऑपरेशन में क्या होता है, जब भी वन नंबर ऑफ वन जो होते हैं वो इवन नंबर में होते हैं तो वैल्यू जीरो आती है, जब भी नंबर ऑफ वन जो होता है वो ऑड नंबर में होते हैं तो वैल्यू वन आती है। ठीक है, ये ऑपरेशन होता है। सेम टू सेम यहाँ पर क्या होता है, जब भी ग्रे टू बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर एक्सोर ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, देखिए जब भी ग्रे से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो जो फर्स्ट बिट होती है उसको एज इट इज लिख लेते हैं, ये जीरो हो गया। ठीक है, फिर जो फर्स्ट बिट होती है उस सेकंड वाली बिट में क्या करते हैं, एक्सोर ऑपरेशन करते हैं। ये आप जानते हैं एक्सोर ऑपरेशन का क्या है, सिंबल है, एक्सोर ऑपरेशन का सिंबल प्लस लिख के इसको राउंड कर देते हैं। ठीक है, तो जो भी वन और जीरो जीरो और वन का जब एक्सोर ऑपरेशन करेंगे तो आप जानते हैं जीरो और वन का, जीरो वन का वन आता है, क्या आएगा, ये वन आएगा। ठीक है, अब देखिए फिर क्या होता है, इसको फिर वन वन और वन का एक्सोर करेंगे, एक्सोर ऑपरेशन करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वन प्लस वन क्या आएगी, वन वन प्लस वन क्या था, जीरो, इसका क्या आया, जीरो। ठीक है, अब देखिए इसका ऑपरेशन करते हैं इसमें, फिर एक्सोर का ऑपरेशन करते हैं तो वन प्लस वन क्या आया, ये जीरो। ठीक है, तो ये आया वैल्यू एक्सोर ग्रे कोड। ठीक है, और ये क्या है, बाइनरी कोड। ठीक है, देखिए जीरो वन जीरो जीरो यहाँ पर देखिए कौन सी वैल्यू थी, सेवन की, तो ये आपका क्या, जीरो वन जीरो जीरो, देखिए यहाँ पर जीरो वन जीरो जीरो, ये आपका क्या आया, ग्रे कोड आया। ठीक है, ये इसी तरह से एक्सोर ऑपरेशन, जो भी कोई भी नंबर दिया गया हो, बाइनरी नंबर कोई भी दी गई हो, उसका एक्सोर ऑपरेशन करके एक सिस्टमेटिक तरीके से एक्सोर ऑपरेशन करके हम ग्रे कोड निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए ये आपका हो गया कैसे, बाइनरी टू, ये हो गया आपका बाइनरी टू ग्रे कोड। ठीक है, ये ग्रे कोड हो गया। अब देखिए अगर हम बात करते हैं ग्रे टू बाइनरी को कैसे निकालते हैं, जब भी ग्रे टू बाइनरी निकालते हैं तो क्या करते हैं, ग्रे टू बाइनरी किस तरह से निकालते हैं, देखिए इसको ज़रा, जब भी मान लीजिए हमें क्या निकालना है, इसे यही देख लीजिए, यहाँ यही ले लीजिए, ये आपका जीरो वन जीरो जीरो। ठीक है, ये आपका ग्रे कोड है, क्या ये ग्रे कोड। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जो भी फर्स्ट बिट हो, जो ग्रे कोड की जो फर्स्ट बिट होती है उसको एज इट इज लिख लेते हैं जीरो। फिर क्या करते हैं, जो सेकंड जो ये बिट आती है इसमें एक्सोर ऑपरेशन करते हैं, इसके साथ सेकंड वाली बिट के साथ जो वैल्यू आती है, जो वैल्यू हमको नीचे उतारते हैं मीन्स उसमें क्या करते हैं, एक्सोर ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, तो जीरो फिर उसके बाद इसको लिख लेते हैं, ये इसमें गया तो ये जीरो प्लस वन क्या है, वैल्यू वन आई। ठीक है, फिर इसमें वन में क्या करेंगे, एक्सोर ऑपरेशन करेंगे इसमें इसमें। ठीक है, तो फिर क्या वैल्यू आई, जीरो वन, जीरो प्लस वन, जीरो प्लस वन में एक्सोर ऑपरेशन करेंगे जीरो वन प्लस जीरो वन प्लस जीरो, तो क्या वैल्यू आई, वन। ठीक है, फिर ये वन में एक्सोर ऑपरेशन करेंगे, इसमें क्या करेंगे, एक्सोर ऑपरेशन, फिर इसको लिख लेंगे जो भी वैल्यू आएगी, वन प्लस जीरो क्या वैल्यू आई, वन। ठीक है, देखिए ये आपका क्या आ गया, ये आ गया आपका बाइनरी कोड। इस तरह से कोई भी नंबर दिया गया हो, कोई भी नंबर दिया गया हो बाइनरी का, उसको ग्रे में कन्वर्ट करने के लिए एक्सोर ऑपरेशन करेंगे किस तरह से, सिस्टमेटिक तरीके से, जीरो को पहले, फर्स्ट बिट को पहले लिखेंगे। ठीक है, लेफ्ट मोस्ट साइड को फर्स्ट बिट को पहले लिखेंगे, उसके बाद जो फर्स्ट बिट है उसमें एक्सोर सेकेंड बिट का एक्सोर ऑपरेशन करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको लिखेंगे उस तरह से। फिर जो यहाँ से नहीं, जब भी हमें ग्रे कोड से बाइनरी कोड कन्वर्ट करना होता है तो जो वैल्यू हमको रिजल्ट मिलती है उसमें ऐड कर सेकंड बिट को ऐड करना होता है, फिर उसको लिखते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जो फर्स्ट बिट होती है उसी में से सेकंड बिट को ऐड करते हैं। ठीक है, इस तरह से ये कन्वर्जन है ग्रे टू बाइनरी और बाइनरी टू ग्रे। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखिए मान लीजिए कोई क्वेश्चन लेते हैं, चलो ठीक है, वन वन जीरो जीरो, वन वन जीरो जीरो, ये आपका क्या है, बाइनरी कोड, बाइनरी से कन्वर्ट करेंगे ग्रे में।
तो इसको फर्स्ट बिट को एज इट इज लिख लेंगे वन, फिर इसमें क्या करेंगे एक्सोर ऑपरेशन, एक्सोर ऑपरेशन, ठीक है। तो क्या होगा ये आपका वन प्लस वन, जानते हैं वन प्लस वन क्या होता है एक्सोर ऑपरेशन में, जीरो आता है, तो ये क्या गया जीरो। फिर इसमें करेंगे एक्सोर ऑपरेशन, इसका क्या होगा वन प्लस जीरो दैट मीन्स वन आया। फिर इसका इसमें करेंगे प्लस एक्सोर ऑपरेशन, जीरो प्लस जीरो तो क्या वैल्यू आई जीरो। देखिए ये क्या आ गया आपका ग्रे कोड, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। देखिए वन 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 जीरो जीरो, देखिए वन जीरो वन जीरो, ये आ गया कि नहीं। देखिए इसी तरह से हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी से ग्रे कोड में कन्वर्जन करते हैं। एक क्वेश्चन इसमें देख लीजिए, चलो ठीक है ये बात देख लेते हैं। वन जीरो जीरो ये आपका ग्रे कोड है, वन जीरो जीरो वन, ये क्या है ग्रे कोड, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना हमको बाइनरी कोड में, तो क्या करते हैं फर्स्ट बिट को एज इट इज लिख लेते हैं, तो ये वन हो गया। फिर इसका इसमें करेंगे एक्सोर ऑपरेशन, क्या करेंगे एक्सोर ऑपरेशन करेंगे, तो जो वैल्यू आएगी क्या करेंगे लिख लेंगे यहाँ पर, तो वन प्लस जीरो वन एक्सोर जीरो क्या होगा वन एक्सोर जीरो, क्या वैल्यू आती है वन आती है, वन एक्सोर जीरो वैल्यू क्या आई वन आई। फिर इसमें एक्सोर करेंगे, ठीक है इसमें एक्सोर करेंगे तो क्या वैल्यू आई वन एक्सोर जीरो, क्या वैल्यू आई वन आई। फिर इसमें करेंगे एक्सोर, इसमें एक्सोर करेंगे तो क्या वैल्यू आई वन एक्सोर वन, क्या आई वैल्यू जीरो। तो ये क्या आ गया बाइनरी कोड, देख लीजिए वन जीरो जीरो ग्रे कोड है, वन सॉरी वन जीरो जीरो वन, वन जीरो जीरो वन ग्रे कोड है, इसका बाइनरी कोड क्या होगा ये वन 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 जीरो जी वन वन जीरो वन 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 जीरो, ये वन 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 जीरो। इस तरह से ग्रे टू बाइनरी, बाइनरी टू ग्रे कन्वर्जन कर सकते हैं। ओके थैंक यू।